गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं आपका क्लास दूसरा से मॉडर्न हिस्ट्री। कल आपका यहाँ तक समाप्त हो चुका था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओटोमन साम्राज्य के द्वारा एशिया माइनर तुर्की पर विजय प्राप्त करने तथा 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेने के बाद सभी व्यापारिक मार्ग तुर्की साम्राज्य के शासन के नियंत्रण में आ गए, ठीक है। व्यापारिक मार्गों पर वेनिस तथा जेनोवा का भी एकाधिकार था, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों को एशिया तथा इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीपों के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करने की ज़रूरत पड़ी। साथ ही उन लोगों ने आशा अंतरी की भी खोज की। पुनर्जागरण के बाद स्पेन के कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई थी। पुर्तगाल के वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। अंग्रेज़ों द्वारा 16वीं शताब्दी में आयरलैंड को जीतने के साथ ही इनका विजय अभियान प्रारंभ हुआ। डच फैक्ट्री, ठीक है, गुजरात, केरल, मद्रास, बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में डच फैक्ट्रियां थीं, परंतु उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, मसालों के द्वीप, स्पाइस द्वीपों में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विकास तथा प्रभाव 1600 से 1714 ईस्वी, ठीक है। 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना व्यापारिक प्रतिष्ठान या स्थापन स्थान के रूप में की गई, ठीक है। पश्चिमी तट में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और जहांगीर ने उसे शाही फरमान जारी किया, ठीक है। उसी समय जहांगीर ने उसको शाही फरमान जारी किया था। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। 1615 ईस्वी में थॉम्सरो को मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान प्राप्त हुआ। कितना में? 1615 ईस्वी में थॉम्सरो को मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की गई। मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास को व्यापारिक केंद्र बनाया गया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की किलेबंदी की गई। इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी मराठा बन गए थे। 1633 ईस्वी में पूर्व भारत में ओडिशा में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। कितना में? 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में ओडिशा में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कालक्रम कौन कौन से कालक्रम है इसका? 1600 ईस्वी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के चलते फरमान प्राप्त करने में असफल रहा। 1611 में कैप्टन मिडिल्टन ने सूरत के मुगल प्रशासक से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और मछलीपट्टनम में भी व्यापार करना शुरू किया। फिर आगे आया 1615 में, ठीक है, कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1618 में थॉम्सरो दो फरमान प्राप्त करने में सफल रहा, जिसमें से पहला बिना कर या प्रतिबंध के अतिरिक्त व्यापार करने की छूट तथा दूसरा आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी गई। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ,
जिससे उनके व्यापार की समृद्धि तथा सुरक्षा सुनिश्चित हुई 1633 ईस्वी में। ठीक है, पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर, ओडिशा में कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला। 1651 में कंपनी को हुगली बंगाल, कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में भी व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों के राजकुमारी ब्रेगांजा की कैथरीन से शादी करने के बाद बॉम्बे को दहेज के रूप में प्राप्त किया। 1667 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी किया गया। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी को सूरत से हटाकर बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद 1700 में सुल्तानाती गोविंदपुर कलिकाता का विकास करके उनके एकीकरण के माध्यम से कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया, जिसका संरक्षण बंगाल के मुगल प्रशासक के द्वारा किया जाता था। किलेबंदी बस्तियों को फोर्ट विलियम 1700 में फोर्ट विलियम नाम दिया गया तथा बंगाल सन 1911 तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी बना रहा। 1911 के बाद उसको बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1717 में आपका मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया था, ठीक है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस फरमान के द्वारा बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में कंपनी को व्यापार पर प्रतिबंध तथा करों से संबंधित बड़ी संख्या में छूट प्रदान की गई थी। कंपनी के आयात तथा निर्यात को करों या चुंगी से छूट प्रदान की गई। उनके सामानों की आवाजाही के लिए उन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। वही दस्तक दिया गया ताकि उसके जितने भी स्टाफ लोग थे सारे व्यापार बिना किसी कर के चुंगी के कर सकते थे। हैदराबाद में कर रहित व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल मुद्रा के रूप में वैधता प्रदान की गई। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय, ठीक है, बंगाल मुगलकालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। इस राज्य में बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलाउद्दीन खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। सोलह सौ इक्यावन ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल से सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, सिल्क, सूती वस्त्र ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से किए जाने वाले व्यापार का 60% बंगाल से होता था आदि वस्तुओं का निर्यात करके व्यापार प्रारंभ किया। 1633 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक के अधीन बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका में कारखाने स्थापित किए। इनमें हुगली महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार आयात निर्यात करने के बाद बादशाह फर्रुख सियर से शाही फरमान प्राप्त किया। उन्हें इन सामानों की आवाजाही के लिए दस्तक, व्यापार करने के लिए मुफ्त पास जारी करने का भी अधिकार प्रदान हुआ। यही दस्तक लगातार संघर्ष का कारण बना रहा। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त होने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज हो गया, क्योंकि प्रांतीय राजकोष में बड़ी हानि हो रही थी। अंग्रेजी व्यापारियों हितों एवं बंगाल सरकार के बीच मतभेद का मुख्य कारण प्रांतीय कोष में होने वाली हानि बना।
1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनाधिकृत अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें इंटरलोपर्स कहा जाता था, ने कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। 1757 ईस्वी और 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा। जैसा कि बंगाल के नवाबों को दो निर्णायक युद्धों, जैसे प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध में परास्त किया। 1741 ईस्वी में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। यह एक योग्य शासक था। इसने अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए उसने सम्राट मोहम्मद शाह से धन के बदले एक पुष्टि पत्र प्राप्त किया। अलीवर्दी खान ने अपने शासन के 15 वर्ष मराठों से युद्ध में व्यतीत कर दिए। अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम में अपने किले या मोर्चे को मजबूत बनाया गया। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये वक्तव्य किनका था? अलीवर्दी खां के द्वारा बताया गया था। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद सिराजुद्दौला बादशाह बना। अब सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल है, इसी के कार्यकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला आपका आपका 1756 से 1757, 1 वर्ष के अंदर ही आपका इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, उतना ही दिन रहा। इसका वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। यह 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम व सेनापति मिर्जाफर थे। ठीक है, सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध 1756 ईस्वी में शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया तथा मानिकचंद को किले का प्रभारी बनाया। 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। इस किले की एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष वह बच्चे को बंद कर दिया। इसमें सुबह तक केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे थे। इस घटना को अंग्रेजी इतिहासकार हॉलवेल ने काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजडी कहा था। क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। क्लाइव के द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया। मानिकचंद ने घूस लेकर कलकत्ता में अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, अली नगर की संधि, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अली नगर की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इस संधि का उल्लंघन भी प्लासी के युद्ध के वास तत्कालिक कारण था। इस संधि के अनुसार सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी फैक्ट्रियों को वापस करते हुए 3 लाख रुपये युद्ध का हर्जाना भी दिया। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में दिया गया। राय दुर्लभ, जगत सिंह, अमित चंद के प्रभावशाली समूह के द्वारा नवाब का विरोध किया गया। आंतरिक झगड़े तथा दरबार में सिराजुद्दौला का विरोध होना शुरू हो गया। इसके बाद आपका हो गया प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी
इसके पीछे बहुत बड़ा ड्रामेटिक कहानी है। आपका प्लासी का युद्ध तो हुआ तो, लेकिन एक बंद कमरे में लड़ी हुई लड़ाई, ऐसा माना जाता है कि एक बंद कमरे में लड़ी गई लड़ाई थी, चूंकि इसके जितने भी अधिकारी थे सारे अंग्रेजों के हाथे बिक चुके थे। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे, प्लासी गांव बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। गठबंधन पहले ही कर चुका था। मीर जाफर अलीवर्दी खां की बहन का पति था वो। राय दुर्लभ अमीरचंद था। जगत सेठ के साथ रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला था। चूंकि सारे जितने भी इसके अधिकारी जितने भी थे सारे अंग्रेजों के हाथों बिक चुके थे। नवाब के वफादार मीर मदान और मोहनलाल युद्ध में मारे गए। मीर मदान और मोहनलाल युद्ध में मारे गए। अंग्रेजों द्वारा युद्ध जीत लिया गया। मीर जाफर नया नवाब बना। अब मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 था। अट्ठाईस जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। मीर जाफर को क्लाइव का गिदड़ कहा जाता था। मीर जाफर को क्लाइव का गिदड़ कहा जाता था। 1760 ईस्वी में बंगाल के नए गवर्नर वेंचिटाट ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। इसे बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आया मीर कासिम। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप उत्तराधिकारियों में से योग्य था। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में से सर्वाधिक योग्य था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। अब यो चूंकि योग्य अधिकारी था आपका मीर कासिम। चलिए आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपका हो गया 22 अक्टूबर 1764। कंपनी के नौकरों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जाने लगा था। शाही फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना टोल या फरमा पारगमन शुल्क या बकाए के व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। नौकरों के द्वारा दस्तक को अपने साथी व्यापारियों को बेचा जाने लगा। इस तरह मीर कासिम के द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए सभी छूटों को खत्म कर दिया गया। यह संघर्ष अंततः युद्ध के परिणत हो गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम तथा कंपनी के बीच युद्ध हुआ। मीर कासिम अवध भाग गया। मीर कासिम अवध भाग गया। अवध में वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिल गया। शाह आलम द्वितीय भी वहां पर भाग कर छुपा हुआ था अवध में, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम, ठीक है, ये तीनों वहाँ जाके मिल चुके थे। युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो उस समय कर रहा था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर था। इसका परिणाम हुआ इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में वाली अंग्रेजी सेना की जीत हुई। मीर जाफर को एक कठपुतली की तरह सिंहासन पर बैठा दिया गया। बक्सर एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने उत्तरी भारत में अंग्रेजों की प्रभुता कायम कर दी। उसके बाद बक्सर युद्ध समाप्त होता है। बक्सर युद्ध समाप्त होने के बाद इलाहाबाद की संधि की जाती है 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर बन के आ जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुजाउद्दीन तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि शुजाउद्दीन ने इलाहाबाद को बादशाह
शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। उसने जमींदारों को संपत्ति का पूर्ण अधिकार प्रदान किया। इलाहाबाद की दूसरी संधि, शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। उसके द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में सभी दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, निजामती कार्यों के प्रावधानों को भी कंपनी के हवाले कर दिया गया। अब आता है बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी। इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। दोहरी सरकार की प्रणाली थी, इसमें दीवानी राजस्व वसूलने और निजामत पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, क्या क्या आया? दीवानी जो राजस्व वसूलते थे वो, और निजामत जो पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गया। कंपनी ने दीवान दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए, निजामत का कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। अलग दीवान तथा निजामत की इसी प्रणाली को शासन की दोहरी प्रणाली कहा गया, जबकि निजामत के वास्तविक अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। कंपनी को उप सूबेदार तथा दीवान को नामित करने का अधिकार दिया गया। मोहम्मद रजा खान बंगाल तथा राजा सिताब राय बिहार को उप दीवान नियुक्त किया गया। मोहम्मद रजा खान उप निजाम का भी कार्य करते थे, उप नाजिम का भी कार्य करते थे। प्रशासनिक विफलता के कारण इस प्रणाली को 1772 में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ख़त्म कर दिया। कौन ख़त्म किया था? वारन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की। उसके बाद आपका जाता है मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। वाडियार वंश की अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय ने यहाँ पर शासन किया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारों वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय ने यहाँ पर शासन किया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन में शुरुआत की। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज को पराजित कर मैसूर पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक अस्त्र कारखाना स्थापित किया। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदर अली था। यह माधव राव के नेतृत्व वाली मराठाओं से हार गया। सत्रह सौ चौंसठ ईस्वी के बीच उसने मराठाओं पर आक्रमण करके अपनी सभी खोई हुई क्षेत्रों को वापस अपने अधीन कर लिया। चलिए अब आ जाते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था। यह आपका हो जाएगा 1767 से 1769 ईस्वी में। यह युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण था। हैदर की क्रांति फ्रांसीसियों से मित्रता एवं कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों के मित्र से शत्रुता के कारण युद्ध हुआ। 1767 ईस्वी में हैदर द्वारा एक अंग्रेजी जहाज को भी नष्ट कर देने के कारण युद्ध हुआ।
मराठा, मराठा अरकोट के नवाब, मराठा अरकोट के नवाब तथा हैदर अली के विरुद्ध थे। मद्रास की संधि अंग्रेज़ों की अंतिम रूप से पराजय हुई 1769 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर स्मिथ से मद्रास की संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया एवं एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया। हैदर अली ने यह संधि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी तथा इसने कंपनी के अस्तित्व को ही नकार दिया था। हैदर अली के द्वारा समझाने पर मराठाओं तथा अरकोट के नवाब ने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दिया। अब आता है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया था जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया। जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया तथा अंग्रेज मैसूर की सहायता के लिए नहीं आए, अंग्रेज मैसूर की सहायता के लिए नहीं आए। हैदर अली की फ्रांसीसियों के साथ निकटता बढ़ती गई। अब हैदर अली की फ्रांसीसियों के साथ निकटता बढ़ती गई। अंग्रेज़ों ने माहे पर कब्जा कर लिया जो अभी तक हैदर अली के पास था। 1782 ईस्वी में जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हरा दिया। उसके बाद हैदर अली की 1782 में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने जंग जारी रखा। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए क्षेत्र वापस कर लिए। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब आता है आपका तृतीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। इस युद्ध का तत्कालीन कारक टीपू सुल्तान द्वारा 1789 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण करना था क्योंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। अंग्रेजों ने त्रिमैत्री संगठन अंग्रेज मराठा निजाम के साथ मिलकर टीपू पर आक्रमण कर दिया। 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज जनरल मिडोज को परास्त किया। 1791 ईस्वी में कॉर्नवालिस तथा मराठाओं ने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया। 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान को भारी मात्रा में युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा। इस संधि पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। उसके बाद आता है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अप्रैल 1799 मई 1799 तक हुआ था। 1789 में वेलेजली भारत आया जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया गया। 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने मैसूर को जीत लिया। टीपू सुल्तान मारा गया तथा मैसूर को 1799 में सहायक संधि के अंतर्गत मिला लिया गया। सहायक संधि क्या था? ठीक है, हैदराबाद के निजाम के साथ इस संधि का प्रथम उपयोग किया गया। किसके साथ? हैदराबाद के निजाम के साथ पहला उपयोग उसी के साथ किया गया था। 1798 में इसने निजाम को फ्रांसीसी से अलग कर दिया और ब्रिटिश सहमति के बिना मराठा के साथ गठबंधन करने से भी मना कर दिया।
दूसरा राज 1799 में मैसूर था। वेलेजली ने अवध के नवाब को 1801 में सहायक गठबंधन की नीति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। लॉर्ड वेलेजली का भाई आर्थर वेलेजली, हैरिस व स्टुअर्ट ने इस युद्ध में भाग लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद वेलेजली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेजली को मॉक्यूबस की उपाधि मिली। आंग्ल मराठा संघर्ष। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के बाद प्रमुख मराठा वंश निम्नलिखित है। बड़ौदा के गायकवाड़, पूना के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 में हुई। रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुई। सालसेट तथा बेसिन के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया। चलिए आवाज आते हैं पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776। कलकत्ता परिषद के द्वारा सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। रघुनाथ राव को उसके पद से हटा दिया गया तथा उसे पेंशन दिया जाने लगा। नाना फडणवीस के द्वारा इस संधि की अवहेलना की गई। अंग्रेजों के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। वड़गांव की संधि 29 जनवरी 1797 पर हस्ताक्षर किया गया जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई। बड़गांव की संधि को वारन हेस्टिंग्स के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उसने सिंधिया को भी हराया। 20 वर्षों के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। ठीक है, इसमें बाजीराव द्वितीय पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को यशवंतराव होलकर के द्वारा हराया गया। अंग्रेजों तथा पेशवा के बीच पूना के सिंहासन के बदले बेसिन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए गए। पेशवा ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया सॉरी पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सिंधिया तथा भोसले ने मराठाओं की स्वतंत्रता को बचाए रखने की कोशिश की गई। वे आर्थर वेलेजली से हार गए तथा अंततः उन्हें सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यशवंतराव होलकर को 1804 में परास्त कर दिया गया। उसके बाद आपकी बेसिन की संधि होती है। बेसिन के संधि में अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लेता है। गुजरात, नर्मदा व तुंगभद्रा के सीमावर्ती क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। निजाम से चौथ प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ दिया जाता है। अब आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में। इसमें होता है बेसिन की संधि में मराठाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई। 1817 में पेशवा के द्वारा पुणे में अंग्रेजी रेजिमेंट पर हमला किया गया था। यह मराठा राज्य को बचाने के लिए अंतिम प्रयास था। उसने सभी मराठा सरदारों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। 13 जून 1817 का पूना की संधि पेशवा के साथ हुई जिसके तहत मराठा संघ को भंग कर दिया गया। 1818 में पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया गया। 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ हुई। चलिए बातें हैं सिंध तथा पंजाब पर विजय। सिंध और पंजाब के पर विजय कब प्राप्त किए? सिंध
आंग्ल रूसी प्रतिद्वंदिता तथा उन्हें जीत के लिए जाने के डर से अंग्रेजों ने सिंध के प्रमुखों या सरदारों, अमीरों या अमीरों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए। 1839 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1843 ईस्वी में सिंध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी में पंजाब में। अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के साथ शाश्वत या सतत मित्रता की संधि की थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से आपका 46 तक था। रानी जिंद कौर सिख सेना के प्रभाव को कम करने के लिए लाल सिंह एवं तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना को अंग्रेजों पर फिरोजपुर में हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 फरवरी 1846 को सोहराब के युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई। युद्ध में सिखों के हार जाने के बाद लाहौर की संधि हुई। 18 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर किए। सतलज नदी के दक्षिण के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए गए। सिखों को 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। जालंधर दोआब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के अधीन एक रेजिमेंट की नियुक्ति की गई। उसके बाद आपका भैरोवाल की संधि हुई। 16 दिसंबर 1846 को रानी जिंद को राज्य संरक्षण या प्रतिनिधि के पद से हटा दिया गया। दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगा। 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज के द्वारा की जाती थी। उसके बाद आता है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, 1 साल चला। इस युद्ध का तत्कालीन कारक सुल्तान के सूबेदार का विद्रोह था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजों की इस विजय को नाशकारी विजय कहा जाता है। पंजाब अब मुख्य कमांडर के अधीन आ गया। जॉन लॉरेंस पहला मुख्य कमांडर बना। इसके बाद भारत पर ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध आंग्ल भूटान संबंध। द अंग्रेजों और भूटानों के बीच क्या संबंध था वो आपको बताएंगे। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को भूटानियों से जीत लिया। उसने सटे इलाकों में लगातार आक्रमण किया जा रहा था तथा एल्गिन के दूत से गलत व्यवहार भी किया गया। अंग्रेजों को असम जाने वाले दर्रों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1865 ईस्वी में भूटानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आंग्ल नेपाल संबंध। अंग्रेजों और नेपाल के बीच क्या संबंध था उस समय वो आपको बता रहा है। नेपाल पर पहला अभियान मीर कासिम द्वारा किया गया था। नेपाल पर सबसे पहला अभियान कौन किया था, मीर कासिम किया था। नेपाल का नियंत्रण गोरखाओं के हाथ में था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखा को हड़प लिया जिससे गोरखाओं तथा अंग्रेजों की सीमा नजदीक आ गई। गोरखाओं के द्वारा बुटावल तथा शिवराज पर कब्जा कर लिया गया तथा उसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष सुगोली की संधि के साथ खत्म हुआ। इस संधि पर 4 मार्च
1816 में हस्ताक्षर हुए। उसके बाद आपका आंग्ल बर्मा युद्ध संबंध हुए, आंग्ल बर्मा संबंध, बर्मा के जंगलों के विशाल संसाधन, अंग्रेजी वस्तुओं के लिए बाजार और फ्रांसीसियों के विस्तार को सीमित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 2 साल तक चला। इस युद्ध के परिणाम अंग्रेजों ने रंगून को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 1826 ईस्वी में आंडवू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यांडवो की संधि के तहत मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपका 1852 में हुआ था। यह लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था। अंग्रेज बर्मा के बाजारों तथा लकड़ी के संसाधनों तक पहुंच चाहते थे। अंग्रेजों ने पिगू वर्मा का निचला भाग पर अधिकार कर लिया था। आता है आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में हुआ था। बर्मा के राजा थिबो के अंग्रेजी प्रतिद्वंद्वियों फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी के साथ करीबी संबंध थे, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश टिम्बर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। परिणाम स्वरूप 1885 में ऊपरी बर्मा को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद आता है आंग्ल तिब्बती संबंध। तिब्बत के साथ क्या संबंध था? तिब्बत में रूसी हथियारों और गोला बारूद की आमद की सूचनाओं ने लॉर्ड कर्जन को चिंता में डाल दिया। तिब्बत के लामाओं ने अहिंसक प्रतिरोध किया। अंग्रेजों ने इसका जवाब ल्हासा पर कब्जा करके दिया। 1904 ईस्वी में ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उन्नीस सौ सात ईस्वी के आंग्ल रूसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि रूस तथा ब्रिटेन तिब्बत पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, सिवाय चीन के द्वारा मध्यस्थता को छोड़कर। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन के द्वारा रूस की नीतियों का प्रतिकार किया गया। आंग्ल अफगान संबंध। भारत के लिए रूसी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए उत्तर पश्चिम के वैज्ञानिक सीमांत ने अंग्रेजी हित के पक्ष में काम किया। अफगानिस्तान में अंग्रेजों के प्रति मित्रवत रहने वाले शासक की जरूरत थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के बीच हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान करने के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 1880 के बीच में हुआ था। लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर शेख अली पर आक्रमण करने की योजना बनाई, सॉरी शेर अली के भाग जाने के बाद याकूब अली तथा अंग्रेजों के बीच गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। याकूब अली के द्वारा पद त्याग करने के बाद अब्दुल रहमान को नया अमीर नियुक्त किया गया। अंत में अफगानिस्तान का खंडन करने वाले लिटन की योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका तथा रिपन ने अफगानिस्तान को बफर जोन के रूप में रखने का फैसला किया। 1879 ईस्वी में अंग्रेजों एवं याकूब खां के मध्य गंडमक की संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया। ऑकलैंड की अग्रिम फॉरवर्ड नीति, यह नीति पड़ोसी देशों के साथ संधि के माध्यम से या उन्हें हड़प कर रूसियों के आक्रमण से भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए थी। दोस्त मोहम्मद के रूस तथा पर्सिया के साथ चले जाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा सिख तथा शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अफगानिस्तान तथा ब्रिटिश प्रांतों के बीच डूरंड रेखा खींची गई। अफगानिस्तान तथा ब्रिटिश प्रांतों के बीच डूरंड रेखा खींची गई। बाद में भारत सरकार के अधीन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का सृजन किया गया।
यह जनजातियों तथा अंग्रेजों के बीच एक सहमति का परिणाम था। कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी ने कर्जन का कार्यकाल कितना है, 1899 से 1905 ईस्वी तक, ठीक है, ने वापसी तथा एकाग्रता की नीति का पालन किया। उसके बाद आता है आपका वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा रिंग फेंस घेरे की नीति 1773 से 1773 से 85 ईस्वी के बीच में किया गया था। अपने किसी एक प्रदेश या इलाके का बचाव करने के लिए आसपास के अन्य प्रदेशों या इलाकों के बाहर बफर क्षेत्र का निर्माण करना। अफगानों तथा मराठाओं के द्वारा अंग्रेजों के बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण के विरुद्ध अवध ने एक बफर क्षेत्र के रूप में कार्य किया। वेलेजली के द्वारा सहायक संधि 1798 से 1805 के बीच में सहायक संधि लाएगा वेलेजली के द्वारा। इसके तहत शामिल सभी भारतीय राज्यों को अपने सीमाओं पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी, उनके रखरखाव के लिए भुगतान भी करना होता था। अंग्रेजी सेना तो भारतीय राज्यों को रखना पड़ता था, ये अनिवार्य था, परंतु उसकी रखरखाव के लिए जितना जो खर्च आएगा वो अंग्रेज नहीं देते थे, सारा खर्च उसी स्टेट को करना पड़ता था जिस राज्य में वो सेना रखी जाती थी। लेकिन वो सेना जो रखनी थी वो अंग्रेजों के अनुसार ही रखनी थी। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त करने होती थी। शासक को दरबार में एक अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त करनी पड़ होती थी। अंग्रेजों की अनुमति के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को नियुक्त नहीं कर सकता था। कोई भी राजा जब तक अंग्रेज अनुमति ना देते तब तक किसी भी यूरोपीय को वहाँ आप अपॉइंट नहीं कर सकते थे, नियुक्त नहीं कर सकते थे। शांति वार्ता के लिए दुश्मनों से संपर्क नहीं कर सकता था। अब शांति वार्ता के लिए भी दुश्मनों से आप संपर्क नहीं कर सकते, जो भी करेगा अंग्रेज करेगा। रखरखाव के लिए बहुत अधिक खर्च की मांग की जाती थी। जब शासक अदा कर पाने में असमर्थ रहते थे, अब उसको अदा करने के लिए बहुत अधिक खर्च मांगा जाता था। अब शासक उसको अदा नहीं कर असमर्थ हो जाते थे, अदा नहीं कर पाते थे, तब उनसे उसके क्षेत्र के एक हिस्से को अंग्रेजों को सौंप देने को कहा जाता था कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ स्थान जो जितना जो कर लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, जो खर्च आ रहा है, उस अमाउंट के हिसाब से आप वो कुछ स्थान ही दे दीजिए अंग्रेजों को, ठीक है। सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ इस संधि का प्रथम उपयोग किया गया था। 1798 में इसने निजाम को फ्रांसीसी से अलग कर दिया और ब्रिटिश सहमति के बिना मराठा के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। दूसरा राज्य 1799 में मैसूर था। वेलेजली ने अवध के नवाब को 1801 में सहायक संधि की नीति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस संधि पर हस्ताक्षर अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मैसूर के शासक, तंजोर का शासक पेशवा, बरार का भोंसले, सिंधिया, राजपूत राज्यों के द्वारा, भरतपुर के शासक होलकर के द्वारा किए गए थे। अब आता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति 1848 से 1856 के बीच में लाया गया था। डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 के बीच में, ठीक है। यह नीति रिंग ऑफ फेंस की नीति का विस्तृत रूप था। दत्तक या गोद लिया हुआ पुत्र राजा की निजी संपत्तियों का उत्तराधिकारी तो हो सकता था। दत्तक या गोद लिया हुआ पुत्र राजा की निजी संपत्तियों का उत्तराधिकारी हो सकता था, लेकिन वह उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। ऐसे राज्यों को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। जिस राजा का कोई कोई बच्चा नहीं है, मान लीजिए किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है, वैसी स्थिति में उसका जो निजी संपत्ति, उसका उत्तराधिकारी गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र उसका उत्तराधिकारी हो सकता था, लेकिन उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था, ठीक है। वैसी स्थिति में देखिए डलहौजी के द्वारा व्यपगत राज्य जो उसको हड़प लिया गया वो राज्य आपका है सतारा, 1848 में हड़पा गया। जेतपुर 1849, संबलपुर 1849, बगाट 1850, उदयपुर 1854 में।
झांसी 1854, नागपुर 1854 में, ये सब सारे हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया गया। ठीक है, आज ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे इसी तरह देखते जाइए, सारा आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करवाएंगे पूरा पढ़ा के। ठीक है, जेपीएससी के लिए बहुत बढ़िया कारगर है। आप जेपीएससी या जीएसएससी कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें सारे में आपका काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ सबको अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए अब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा बिल्कुल। आप पर डे आपको डाला जाएगा, बेफिक्र रहिए, सारा क्लास आपको पूरा समाप्त करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।